हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए देखते रहिए अंतस्योग। बहुत सी महिलाओं का कमेंट आया है कि आपकी बहुत सारी वीडियोस देखकर हम कंफ्यूज हैं, हम क्या करें क्या ना करें। इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सभी एक्सरसाइज सभी के लिए नहीं है। सबसे पहले आप फुल योगा कोर्स फ्रॉम डे वन निकालिए, उसमें से 5 एक्सरसाइज चूज कीजिए, 5 वीडियोस, और डेली 5 डेज तक प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आज की वीडियो में हम कुछ सिंपल 10 एक्सरसाइज ऐसी बता रहे हैं जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करके अपने वेट को कम कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ हेल्दी निरोग रख सकते हैं। देखते रहिए अंतस्योग। योगा जरूरी है सभी के लिए क्योंकि आसान है जिंदगी का सफर स्वस्थ लोगों के लिए। हर वक्त रोग से खतरा है सभी के लिए, बस एक रास्ता व्यायाम ही है सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्कआउट। बिगनर्स के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखते हुए पैर के घुटने को हथेली से छूने का प्रयास करें, इसी में अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा बाउंस के साथ। 1, 2, 3, 4। सेकेंड वर्कआउट, दोनों हाथों की अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, सांस को भरते हुए एक हाथ को अपोजिट पैर को उठाइए। 2, 3, 4, 5, दोनों तरफ से 10-10 टाइम्स, अपनी क्षमता अनुसार इसे ज्यादा भी किया जा सकता है। बॉडी के जॉइंट्स को खोलने के लिए, बॉडी को वार्म अप करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बाद में होल्ड जरूर करें। दोनों तरफ से 5-5 काउंट्स में श्वास को सामान्य रखते हुए ध्यान रहे इन सभी एक्सरसाइज को, चाहे आपके नीज में पेन है या सर्वाइकल है या बैक में पेन है, सभी लोग कर सकते हैं। दोनों हाथों के अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, कलाइयों को गोल गोल चलाते हुए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, करतल शक्ति विकासक। फिंगर्स के ज्वाइंट्स में पेन जिनको रहता है उनके लिए, साथ ही साथ कंधे के दर्द को दूर करने के लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों हाथों को गोल गोल घुमाते हुए कोशिश करें, सांस को बाहर निकालते हुए आगे से दोनों कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वक्षस्थल शक्ति विकासक। दोनों हाथ थाइस पर रखते हुए धीरे धीरे श्वास को भरते उठाएं, 8 से 10 बार इसका अभ्यास। हृदय रोगों से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ लंग्स को शक्तिशाली बनाने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों कंधों को श्वास भरते हुए उठाइए, गर्दन पीछे की तरफ, दोनों हाथों को पीछे से मिलाने की कोशिश करें। अगर क्रिया सही है तो हाथ मिलने नहीं चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम का बहुत ही बेहतरीन व्यायाम, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, क्योंकि वृद्धावस्था में हड्डियों की कई प्रकार से परेशानियां हो जाती हैं। ताड़ासन, इसके अभ्यास से शरीर में संतुलन आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक हाथ कमर के पीछे, एक हाथ को सांस भरते पीछे देखिए, सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर। कमर को फ्लेक्सिबल रखने के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपके पेट से संबंधित रोगों को, थायराइड, दमा, कफ और रक्त से संबंधित रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। दोनों तरफ से 10-10 टाइम्स। इस पोस्चर से आपके पेट की मांसपेशियों और जांघों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जब आप इस पोस्चर का अभ्यास करते हैं तो शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। एक बार जरूर अनुभव लीजिए, सांस को छोड़ते हुए बाहर, कमर को 90 डिग्री पर झुकाते हुए कोशिश करें, इस दौरान कमर बिल्कुल सीधी रहे, श्वास सामान्य कीजिए, फिर से सांस को भरते हुए पीछे, कमर को क्षमता अनुसार आगे पीछे ले जाते हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को मिला लें, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस को भरते हुए ऊपर देखिए, कमर को क्षमता अनुसार पीछे ले जाइए, सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों के बीच में रखते हुए। 8 से 10 बार इसका अभ्यास, पूरे शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, साथ ही साथ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, साइड्स की चर्बी को कम करने के लिए, साथ ही साथ कंधों के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने के लिए। अंत में एक जरूरी बात, सभी एक्सरसाइज करने के बाद कमर को रिलैक्स करना ना भूलें। जैसे कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, कमर को गोलाकार गोल गोल चलाते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से कमर को शेप देने के लिए, साथ ही साथ अपने पैरों की मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के लिए।
एक बार क्लॉक वाइज, एक बार एंटी क्लॉक वाइज। 2 मिनट तक इसका अभ्यास जरूर करें। सकल सृष्टि में शांति फैले, योग की बेल फैले, आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले। योग दिवस की शुभ बेला महके हर फुलवारी, हर कोई पा जाए ताजगी, कर लो तैयारी, घर घर जाकर अब है हमको यही बात बतानी, योग की महिमा रूपी गंगा विश्व है बहानी। गूंज तराना मधुर निराला, योग की बात चले, योग साधना की सीढ़ी है, योग में आओ ढले, आओ योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले, आओ योग के संग चले, चलो योग के संग चले।